कह रहा है? मैं कह रहा हूँ एट लास्ट हमारी फर्स्ट एपिसोड। हम कब से प्लान कर रहे हैं यार ये? हमारी कॉल पे बात हुई थी अराउंड नवंबर लास्ट ईयर, नवंबर में बात हुई थी हमारी, नवंबर से लेकर अब तक। मैंने उसी महीने माइक ले लिया था एंड आई थॉट कि हम उधर ही तभी स्टार्ट कर रहे हैं बात। मैं तो इस दिस ऑल रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी वलीद, व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड, व्हाट्स योर विजन विद द पॉडकास्ट? नहीं याद कर, जब हमने नवंबर में डिस्कशन की थी एंड वी हैड अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन, मुझे अच्छा लगा था यार, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम दोस्त हैं जिनके साथ मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। मतलब कि हमारे अराउंड इन द सर्कल लोग ज़्यादा केयर नहीं करते वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, सोसाइटी नॉर्म्स के बारे में लोग केयर नहीं करते। अगर आप लोगों के बीच में बैठ के डिस्कशन करो भी तो इट्स बोरिंग फॉर देम, है कि नहीं? मेरे बहुत ज़्यादा कम दोस्त हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं। एक तो मेरा दोस्त है जो बहुत, उसके साथ मैं अक्सर डिस्कशन करता हूँ, हमारी कॉल में बात होती है, वो दूसरी सिटी में रहता है, ही इज़ इन मेलबर्न और मैं यहाँ होता हूँ। हम कभी एक बार बात करते हैं तो हमारी 2-2 घंटे तक बात होती है, उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हुए। आपका एक होता है ना, आपका इंटेलेक्ट लेवल साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है, किसी कुछ लोगों के साथ। तो मैंने जब तेज से बात की थी तो मुझे भी ऐसे लगा, मैंने कहा यार व्हाई नॉट, जो वॉइस नोट पे 3 दिन चली थी बात हमारी, उससे पहले यू नो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स और यूएफओस वगैरह, काफ़ी ज़बरदस्त बात हुई थी हमारी, याद कर, कॉल पे। तो मैंने कहा मैन व्हाई नॉट वी शुड डू समथिंग न्यू, लाइक वी शुड डू अ पॉडकास्ट। अब आजकल जो पाकिस्तान में जो पॉडकास्ट चल रही हैं, जो मैं देखता रहता हूँ कभी कभार, मतलब कि कुछ भी आपको उससे सीखने को नहीं मिलता, ठीक है। कुछ लोगों ने पॉडकास्ट को लिए एक है तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस, ही इज ट्रू इंटेलेक्चुअल आई बिलीव, आई लव वाचिंग हिज पॉडकास्ट। हाँ, सब कुछ लोग हैं इस तरह के जो अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, और मगर ज़्यादातर जो पॉडकास्ट हैं वो बिल्कुल फारिग है। पाकिस्तान में पॉडकास्ट का कल्चर अभी आया भी नहीं है, तो देखा होगा पाकिस्तान में तो अभी मेरे हाल में हमारी 20 या 30% पॉपुलेशन के पास एक्सेस होगा यूट्यूब का, है कि नहीं? तो मेरे ख्याल में यार हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में शुरू हुआ है, वेस्ट में तो अभी वहाँ इतने सिग्नल्स इतने कम आ रहे हैं। हाँ अब सिग्नल सही हो गए, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हेलो, अच्छा क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं हाँ थोड़ा सा बीच में तेरा सिग्नल ड्रॉप हो गया था, तो मैं वही कह रहा था कि पाकिस्तान में तो अभी ये चीज़ काफ़ी ऊपर जाएगी, है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? पाकिस्तान में यार काफ़ी लोगों को एक्सेस नहीं है और काफ़ी लोगों को शौर भी आ रहा है, मतलब कि काफ़ी लोगों को ना, मैं देख रहा हूँ लोगों का माइंड भी चेंज हो रहा है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि भाई जो आपको अखबार में बताया जा रहा है या जो लोग आपको आसपास बता रहे हैं आप उसे भी यकीन कर लो, ठीक है। अब तो हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेता हूँ और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं बताती, है कि नहीं? वो उस इंफॉर्मेशन में सिर्फ इंटरेस्टेड होती है जो सिर्फ 15 to 20 सेकंड्स की हो, ठीक है, और क्या है कि वो जल्दी से बस टिकर चलाया, लोगों ने देखा और दैट्स इट। मगर अगर आपने ब्रीफ में किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, रिसर्च करनी है, तो मेरे ख्याल में इंटरनेट सबसे बेहतरीन सोर्स है कि नहीं यार? इसके अलावा भी आई बिलीव कि कॉन्वर्सेशंस होना शुरू हुई हैं, क्योंकि आई वाज वाचिंग दिस गाय सैयद मुजम्मिल शाह, उसको लाइक काफ़ी यूनिवर्सिटीज ने टॉक्स वगैरह पे बुलाया, फास्ट में एफसी ने बुलाया, एंड दीज इंटेलेक्चुअल टॉक्स आर नेसेसरी क्योंकि वी बोथ आर हियर टू फाइंड आउट द ट्रूथ। बेसिकली वी एग्री दैट वी नो नथिंग अबाउट एनीथिंग, राइट? सो वी बोथ इन दिस डिस्कशन ट्राइंग टू सीक आउट द ट्रूथ, दोस कन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। यस, और आपने तो किताब भी लिखी है, मेटा फोर्सेस। हाँ तो इट्स अ वेरी मेटा फॉर्सेस है ब्रो, ये पीछे लगी है यार। हाँ और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था, मैं रिव्यूज़ पढ़ा था अमेजोन पे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ थे बुक के। फॉर अ फर्स्ट बुक इट्स अ वेरी, इट्स डूइंग वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक? यार एक और लिख रहा हूँ लेकिन वो इट्स वे टू कंट्रोवर्शियल ब्रो। आई हैव रिटन ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ इट बट आई डोंट थिंक आई विल पब्लिश इट इन पाकिस्तान। और ठीक है, तो उस बुक में आप क्या आप टॉपिक्स की किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो उस बुक के अंदर? लास्टमी और बेसिकली औरत मार्च, सम ऑफ द थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट पाकिस्तान, उसका टाइटल बेसिकली मैंने रखना है व्हाई यू शुड लीव पाकिस्तान, बट आई एक्चुअली टॉक अबाउट ऑल द रीजंस व्हाई यू शुड स्टे डिस्पाइट नोइंग व्हाई यू शुड लीव। बहुत पाकिस्तान, यस, लाइक यार देखो हम लोग जो है ना, हम तुझे पता होगा हम दोनों लाइक अब्दुल्ला और मेरे कजन्स हैं, हम दोनों गलियों में बड़े हुए हैं, वी हैव ग्रोन इन स्ट्रीट्स, ठीक है, हम लोग उस तरह के मॉम डैड बच्चे नहीं हैं जो मतलब कि हाई सोसाइटीज़ में रहते हों या सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम में रहते हों, ठीक है, आपके कुछ अमीर दोस्त हों और आपको कुछ पता ना चल रहा हो। हमें तो पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में क्या मसले और क्या हो रहा है, ठीक है। और हाँ, पाकिस्तान के साथ हम सब, वी ऑल लव पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान में कुछ मेजर रेड फ्लैग्स हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में जो कि ठीक होने वाले हैं। जैसे कि तूने भी कहा ब्लास्फेमी, इट्स अ रियली कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और पाकिस्तान में तो कोई इसको डिस्कस भी नहीं करता है कि नहीं, जो भी डिस्कस करता है उस पे फतवे लग जाते हैं। सलमान तसीर देख ले ब्रो, अपने गवर्नर पंजाब, इन्होंने छोड़ा यार, आगे क्या उसका उसका तो मर्डर नहीं, इसको मैं कहूंगा असैसिनेशन थी, वो टारगेटेड असैसिनेशन थी। मुमताज कादरी ने 27 गोलियां मारी थी यार। और लाइक जिस तरह का वही ना, मतलब कि आपकी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप किसी को भी काफिर कह सकते हो, किसी को भी आप मतलब कि वली बना सकते हो, ठीक है ना। आप ये बहुत बुरी चीज़ है पाकिस्तान की सोसाइटी में। दूसरा बात है औरत मार्च भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। मैं खुद भी सोचता हूँ कि औरतों के साथ पाकिस्तान में अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। और कुछ मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही 80 to 90% वुमेंस जो है हमारी सोसाइटी की वो सप्रेस्ड हैं, ये वो बात भी नहीं है। कुछ औरतें हैं हमारी सोसाइटी में अराउंड 20 to 30% रूरल एरियाज़ में जो कि सप्रेस्ड हैं, ठीक है, जिनको अपनी इनहेरिटेंस में भी राइट्स नहीं मिलते, ठीक है, जिनको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, ठीक है। The thing is कि there is this spectrum of violence against women, right? एक foreign पे आ जाता है रेप, all of those you know hardcore crimes against women, दूसरी तरफ आ जाता है आपका sexual objectification आ जाता है, and all those things catcalling जिस तरह आ जाता है, which every woman goes through. तो if you're not counting for that, I believe you're making a mistake, क्योंकि all women go through. You can't say कि 30% जो suppressed हैं, जो गाँव वाले areas में रहती हैं, बाकी सब जो हैं they don't go through all of these things. It is a very messed up, you know, very complex thing to understand, and we as men cannot surely understand it. We can have some idea about it, yes, but we cannot relate to it. हाँ, बिल्कुल वो बात है। जैसे कि मैंने harassment को अगर हम लोग उसमें लें, अगर हम इस पिक्चर में सेक्सुअल हरासमेंट को लें, ठीक है, उसमें पाकिस्तान की 80 to 90% जो औरतें हैं वो उनको लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। और मेरे ख्याल में इसको अगर हम लोग एज अ सोसाइटी फेल हो चुके हैं, कि हम लोग इसको मतलब कि अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सके। क्या ख्याल है? पाकिस्तान बने हुए 70 साल हो चुके हैं, है कि नहीं, मगर इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पिछली जनरेशन्स थी उन्होंने इतना काम नहीं किया, ठीक है कि नहीं। बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा यार, बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा, बट करूँ क्या ना बात करूँ यार, ऑब्वियसली ये सपोर्ट इमरान खान बट करनी चाहिए। No, that's fine. The thing is, अगर आपके ऐसे लोग आएंगे, आपकी हिस्ट्री में ज़्यादा ऐसे लोग जो 1979 दूध और नस्ल आएंगे, obviously, you know what, how that went, you know, yep. Leaders after him who basically refused to amend that law, like we saw in 2005, women's protection बिल आ रहा था, वो नहीं आने दिया। 2018 में फिर डोमेस्टिक वायलेंस बिल आ रहा था, वो नहीं आने दिया। और like, एक जनरेशनल ट्रॉमा है ना, आप फिर लीडर को भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक जनरेशनल ट्रॉमा है, ये आपने इनहेरिट किए हैं कुछ बिलीव्स अपने पेरेंट्स से, उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। यू कांट चेंज अ 40-year-old मैन, राइट? एक इंसान जो 40 साल का है उसकी बिलीव्स नहीं चेंज कर सकता, आप उसके बच्चे को एजुकेट कर सकते हो, डोंट बी लाइक योर फादर यार। आप इसलिए जो ये जो इम्पैक्ट आता है इन लॉज का, जैसे 1979 के दूध ऑर्डिनेंस का आया, वो आया 20 साल के बाद इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज जेंडर बेस्ड वायलेंस। एकदम से ना सही होता है, एकदम से ना खराब होता है, यू नो, इट टेक्स टाइम। हाँ, इसमें आप यही वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी उसने इतना काम नहीं किया, एक, ठीक है, इसमें आप ये भी कह सकते हो। दूसरी बात ये है, हाँ मैं आप इमरान खान को बुरा कह सकते हो, मगर हाँ, यू कैन पिक सम थिंग्स फ्रॉम इट्स लाइक, आप किसी की परफॉर्मेंस में से कुछ चीज़ें पिक करके उसको आप जज कर सकते हो, दैट्स फाइन। मगर आप ये भी बात नहीं पूछ सकते कि पाकिस्तान में जो फर्स्ट एवर रेप लॉ था वो भी इमरान खान के दौर में आया था, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि फांसियाँ दो, ठीक है, या फिर मतलब कि लोगों को सरेआम फांसियाँ दो, ठीक है, वो भी उनको बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता, मगर मेरे ख्याल में मतलब कि वो ही होना चाहिए था, ठीक है। मगर मसला है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो वो नहीं होना चाहते, नहीं मतलब कि पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, दैट्स वाई वो नहीं हो सका, ठीक है। हाँ यार, आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ बैड स्टफ हैपनिंग इन पाकिस्तान विच रियली कंसर्न्स मी, है कि नहीं? इट कंसर्न्स यू एज वेल बिकॉज यू आर लिविंग ओवर देयर राइट नाउ। मैं तो अभी बाहर हूँ मगर माई फैमिली इज़ ओवर देयर, आई एम रियली कंसर्न पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेसिक जो मैंटेलिटी है लोगों की, उसमें जो बुरी चीज़ है उसको बुरा माना ही नहीं जा रहा, है कि नहीं? जैसे कि अगर एक लड़का है वो किसी लड़की को या किसी आंटी को छेड़ता है, ठीक है, गली में, तो वो उसको बुरा समझता ही नहीं है, है कि नहीं? ही थिंक्स कि ये नॉर्मल है, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ हंस खेल के चला जाता है, अपने घर चला जाता है। मगर इस मसला है कि इसमें हमारी तरबियत भी बहुत ज़्यादा, एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे भी तरबियत बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब रही है, हमारी सोसाइटी की। हम लोगों ने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना तो लिया मगर हमने उस पर जो कोर वैल्यूज़ थी इस्लाम की हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। क्या ख्याल है? What do you think? Do you think Pakistan should become a secular state? या Pakistan should exist as a religious state? अभी तो Pakistan ना religious है और ना secular है। Pakistan is going through a transition. That's what I believe. है कि नहीं? यार it all depends कि पावर किसके हैंड में। अगर तो TLP जैसे लोगों के पावर आप दे दो के हाथ में, जो रिलीजियस पार्टी आप लाते हो बेसिकली, तो फिर तो मुल्क का कुछ नहीं बनना ना। तो सेकुलर तो फिर मेरी नज़र में तब बेहतर है, क्योंकि आपकी इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटी, आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी है, एक आपका मुल्क का आप ये नहीं बता सकते कि आपका कॉमन ग्राउंड क्या है। इतनी डिफरेंट ट्राइब्स, इतनी डिफरेंट तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, और आप कहते हो उनको एक ही मजहब के बैनर के नीचे आप ला के खड़ा कर दो, तो दैट्स नॉट राइट। अगर आपने करना भी है ना, तो आप एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाओ। आप रियासत मदीना की जिस तरह हमारे कुछ लीडर बात करते हैं, तो द थिंग इज कि रियासत मदीना के जो चार्टर था ना, बेसिकली उसमें उम्मत का डेफिनेशन ये थी कि जो जो ट्राइब, जो जो मज़हब के लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इवन ज्यूज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो मेरी उम्मत में से, क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे हैं, राइट। और आप यहाँ पे क्या करते हो, आप फॉल्स ब्लास्फेमी एलिगेशन लगा के एक बंदे को मरवा देते हो। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब देखो एग्जैक्टली यही बात है। अब जैसे कि आपने बिल्कुल भी फिर बेहतरीन बात की कि हाँ, इस्लाम यही था। जब रियासत मदीना जब नबी करीम ने बनाई थी, तो उसमें जो यहूदी भी साथ रहते थे ना मदीना में, उनका जो अपना लॉ था, उनकी जो सारी आपके लिए जो जस्टिस सिस्टम था, वो उनके लॉ के मुताबिक चलता था, और मुस्लिम का अपने लॉ के मुताबिक चलता था। और कुछ केसेस में हज़रत उमर के पास या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे केसेस भी आए कि एक मुसलमान और एक यहूदी के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, और कंफ्यूजन ये थी भी कि किस मज़हब का लॉ लगेगा, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में कुछ लोग रियासत मदीना की बात तो करते हैं, मगर रियासत मदीना की बात वो इस पर्सपेक्टिव में करते हैं कि ये जो पाकिस्तान में लूट मार चल रही है, ये जो एलीट है उसने जो लूट मार बनाई हुई है, उसको जो अपना सिसिलियन माफिया बनाया हुआ है, ठीक है, जजों को मरवा देना, वकीलों को मरवा देना, ठीक है, गवाहों को गायब कर देना, बोरी पर लाशें मिलना, ठीक है, उसके हिसाब से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यूँ तो नहीं हुआ कि फ़लाँ लीडर के दौर में आया तो रेप ज़्यादा हो गया, फ़लाँ लीडर के दौर में रेप कम हो गए, ठीक है। इसमें मसला ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे सोचना है कि हम किस तरह अपना देखो, अगर एक पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारी गलती क्या होती है पार्लियामेंट में? हम लोग वी थिंक एज अ इंडिविजुअल, लाइक एक बंदा है वो क्या है, भाई मैं इमरान खान की पार्टी का तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वो ये नहीं सोचता कि मैं पहले इंसान हूँ, फिर मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं इमरान खान की पार्टी का बंदा हूँ। अब सेम गोज़ विद द नो लीगी पर्सन, ठीक है, वो ये नहीं सोचता कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बेसिक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब वो इतने मतलब कि इतने अंधे हो चुके हैं कि वो अपनी पार्टी के अगर कोई बंदा, उनके साथ का बंदा, कोलीग या MPA या MNA कोई गलत बात करता है किसी भी लॉ के मुताबिक के बारे में, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वो कि खड़े होकर कह सकें यार कि ये बंदा गलत कह रहा है, वी आर ह्यूमंस फर्स्ट, वी शुड नॉट डू दिस, है कि नहीं? ह्यूमंस की बात भी तो है, लेकिन देयर रिलीजन शुड बी टू देयर स्टेट, टू देयर कंट्री, नॉट टू देयर पार्टी, नॉट टू देयर पार्टी लीडर, राइट। It is only that's the problem. Yeah, that's the problem. हमारे में ये नहीं कि हम अपने पार्टी के लीडर्स को या अपने जो हमारे वो हैं व्यूज हैं हम उनको थोड़ा सा चेंज कर सकें या उनको सोच सकें भाई एज अ ह्यूमन बी। हम बस अंधों की तरह भाई अगर इमरान खान ने ये बात कह दी, अगर नवाज शरीफ ने ये बात कह दी तो ये भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। कल को खुदा ना खासा अगर कोई लीडर कहता है भाई कि रेप इज फाइन तो सब क्या शुरू कर दे, अब उसकी सारी पार्टी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हम काफी कह चुके हैं यार, हाँ वही ना, तो वो फिर वो वजह ढूंढना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं वो फिर वो जो तू बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ बहुत सी बात कर रहे हैं, मगर वो फिर बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी जो उसने बात की। वो पूरी पॉडकास्ट अलग रखी हुई है उसके लिए, हाँ उसके लिए पूरी पॉडकास्ट अलग रखेंगे। और मसला ये कि जो लोगों ने तीन रेफरेंसेस दिए आज इमरान खान के बारे में, थ्री अटैक्स ऑन यू, हाँ दैट्स फाइन नो वरीज, मगर मसला है कि वो जिस दोस्त ने बात की थी वो उसने बेसिक लेवल पे बात की थी और बहुत रूट्स में वो हमारी जो बात थी ना, एक हमारे कल्चर की जो रूट्स में बात थी, ठीक है, वो थी। वो काफ़ी लोगों को जो रियलिटी है वो नहीं है पसंद, बट यार एक्सेप्टिंग समथिंग और सॉरी कंडेमिंग समथिंग और नॉर्मलाइजिंग में फ़र्क होता है यार। अब आप बताओ अमेरिका में क्यों इतने रेप्स होते हैं, इंडिया में क्यों इतने रेप्स होते हैं, सऊदी अरब में रेप क्यों नहीं होते, ठीक है, इतने ज्यादा कतर में क्यों नहीं होते। इंडिया के पीएम ने ये नहीं बोला जॉनसन इस्वान के इंटरव्यू के अंदर के ब्रो लड़की से नहीं बोला, हां उसने नहीं बोला, ये तो प्रॉब्लम है, उसने नहीं बोला। अमेरिका में भी इट्स ओके टू रोम इन स्ट्रीट्स अराउंड 3 o'clock वेयरिंग अ बिकिनी इन विंटर्स बिकॉज़ इन द नेम ऑफ वुमेन राइट्स, ठीक है कि नहीं। What do you think? That's healthy for a society? No, that's not healthy for a society. I don't want women's और या फिर जो लड़के हैं वो चड्डियाँ पहन के निकरे पहन के फेरे और रात के वक्त पाकिस्तान में there's this concept of liberty, right? There's this UN charter है ना, human rights, it basically says कि आप you have the liberty to do any whatever the fuck you want, at least until it does not hurt someone else, right? आपकी मर्जी, अगर मैं नंगा घूमना चाहता तो मैं घूमूंगा यार, कौन मेरा कुछ उखाड़ सकता। हाँ दैट्स फाइन। ये तो यार अभी तो वही बात हुई ना, मतलब कि यू कैन कीप डूइंग दिस थिंग, मतलब कि आप कल गाड़ी निकालो, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दो और कहो भाई आई कैन डू व्हाटएवर द फक आई वांट, ठीक है। आप कहो भाई आई डोंट फॉलो रूल्स बिकॉज दीज रूल्स आर मेड बाय सम पीपल इन अथॉरिटी एंड आई डोंट लाइक दोज पीपल, ठीक है। करते करते आप जाते हो वहाँ से हाईवे, अब वहाँ से आप जाते हो हाईवे पे, वहाँ जाके आप कोई बड़ा एक्सीडेंट कर देते हो और 3-4 लोग मर जाते हैं, ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था वो, मगर लोगों को मगर मसला है कि हमारी जो सो कॉल्ड मीडिया है वो कुछ अल्फाजों को लेके कुछ टिट्स और बिट्स को लेके ज्वाइन करके फिर ऐसी कैंपेन चलाते हैं किसी के बारे में, ठीक है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा से हो रहा है, कभी ये तो कभी बेनज़ीर के साथ भी होता रहा है, ठीक है। सलमान तासीर के साथ भी यही हुआ था, सलमान तासीर को भी हमारी आधी मीडिया ने लेबल्ड हिम एज अ काफिर, क्योंकि उसने ब्लेस्मी लॉ के बारे में जो कहा था, है कि नहीं। अभी हमने सलमान तासीर के बारे में बात की थी, उसका मरने से पहले एक इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा था कि ये जो ब्लेस्मी लॉ है ये सही नहीं है, इट्स मतलब कि वी शुड चेंज समथिंग अबाउट इट, ठीक है। अब मीडिया ने वही किया, उसकी टिटबिट्स लेके आपस में ज्वाइन किया, उसको 24 घंटे हेडलाइन पर चलाया, उसका इफेक्ट क्या हुआ, लोगों में गुस्सा आया। दूसरी पार्टी ने उसको मतलब कि उसका चांस ग्रैब करके एक बंदे को मतलब कि ट्रेन किया और कहा भी जाके मार दो, उसने अल्लाह अकबर क्या है कि उसको 29 या 30 बुलेट्स उसके अंदर उतार दी, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मसला ये कि गेटिंग बैक टू द पॉइंट वलीद, द थिंग इज कि मेरा बेसिकली आर्गुमेंट ये है कि द राइट और रॉन्ग, अगर एक चीज़ गलत या सही है, इट डज नॉट जस्टिफाई बीइंग रेप्ड, राइट। अगर एक लड़की छोटे कपड़े पहन के निकली है, वेदर दैट इज रॉन्ग or right, whether that is moral or immoral, that does not justify someone raping her, right? You agree with me on that? Yes, that is true. We can what we can do is that अगर आपके सोसाइटी में कोई लड़की फेर रही होगी, ठीक है, अगर आपका सो कॉल्ड मदीना की रियासत बना ली आपने पाकिस्तान में, तो आप क्या करोगे, आप उसको तबलीगी दे सकते हो कि पत्थर मारना शुरू कर दोगे? यार मदीना की रियासत बनानी क्यों है वलीद, मुझे ये बताओ यार। हर बंदे को अपना मंचन बेचना जरूरी तो नहीं होता, राइट। हर बंदे का अपना मजा है, और स्पेशली आपका मदीना की रियासत कल्चरल डाइवर्सिटी आपके मुल्क में है। मदीना की रियासत मंजन तो नहीं है, और हमारे मुल्क में कल्चरल डाइवर्सिटी है मगर रिलीजियस डाइवर्सिटी मंजन नहीं है, लेकिन मंजन बेचा जा रहा है ना। अभी जो करंटली जो हमारी रिलीजियस पार्टीज हैं, टीएलपी की बात कर लो, बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा, आपको पता है? हाँ दैट्स फाइन, वो तो बेचा जा रहा है बिल्कुल, मगर वो अभी से। या मसला ये पता है क्या है, अब जो टीएलपी ने तो कभी पावर में आना नहीं है, ठीक है, ना कभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो लोग बैठे हों कभी TLP को आने देंगे। कुछ मखसूस लोग हैं जो मतलब कि जो बिल्कुल रिटार्ड्स हैं वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, है कि नहीं? वैसे लोगों को मतलब कि वही वोट करते हैं, वही वोट करते रहेंगे, ठीक है। सो येस वी कैन, वट वी कैन डू दैट, वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। वट डू यू थिंक? ये तो बहुत लंबी यार पॉडकास्ट हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक अगर हम इसका एक टॉपिक अलग से चूज करें? होप फॉर द बेस्ट वलीद। आई देखो मुझे एक तरह के लोगों से नफरत है सिर्फ यार, वो जो मेरी बेसिकली आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स राइट, लेकिन कुछ दोस्त हैं मेरे, जब मैं उनसे कोई बात करता हूँ ना डिप्रेसिंग टाइप की पाकिस्तान को लेके, वो कहता है यार अब्दुल्ला तुम नेगेटिव बातें बहुत करते हो। क्या नेगेटिव बातें क्या होती हैं? देयर इज ओनली रियलिटी और देयर इज नॉट रियलिटी। तो यू शुड नॉट जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि if you hope for a better tomorrow there's just going to be hope, there is not going to be effort to actualize that hope into reality right? जितना optimistic रहोगे ना तो आपका अपना उल्टा नुकसान है, क्योंकि देखो basically there's this allegory of philosophy, there's this called the allegory of the caves right here, this cave the cave of ignorance। basically हम लोग पैदा होते हैं गार में, ठीक है, we believe our world to be a specific way और हमारा काम है हमने उस गार से निकलना है, हमने उस गफलत की गार से निकलना है and that's our lifelong struggle। कुछ लोग आते हैं गार में पैदा होते हैं गार में मर जाते हैं। तो वो एक देखो बड़ा आसान है ये मानना कि सोसाइटी में ना कोई 11 रेप रोज के नहीं होते, कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉड नहीं है ब्लास्फेमी के लिहाज से, कोई आपकी बेसिकली योर कंट्री इज फक्ड अप, यू नीड टू एडमिट दैट। और अगर आप मानोगे कि फक्ड अप नहीं, आपके लिए सोना बड़ा आसान है, यू स्लीप लाइक अ बेबी एट नाइट, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू बिलीव ऑल दोस थिंग्स। Lies are very convenient to believe। Why na? By अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि we can hope for the best, by hope for the best, what I mean is that we can start from our individual selves, ठीक है। अब मुझे पता है मैं corruption नहीं करता, तुझे ही पता है तू भी corruption नहीं करता, ठीक है ना, तेरे घर में कोई corruption करता है ना मेरे घर में कोई corruption करता है। What we can do is that we can better ourselves, ठीक है ना। हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम की सोसाइटी में चेंज बना सकते हैं, जैसे कि अगर हमने ये डिसीजन लिया है पॉडकास्ट बनाने का, हम इससे स्टार्ट करके थोड़ा बहुत लोगों को अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय होप फॉर द बेस्ट। अब मसला है कि अब इन दिस टाइम ऑफ द ह्यूमन एरा हम लोग वो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोग कुछ भी कहते रहते हैं, मगर बाय होप फॉर द बेस्ट। मतलब कि यार मुझे खुद बहुत टेंशन होती है पाकिस्तान की न्यूज़ में, तो मतलब कि जब भी मैं अगर जिम भी जाता हूँ जॉब पे भी होता हूँ फारिग, तो मैं पाकिस्तान की न्यूज़ देखता रहता हूँ या डिफरेंट जर्नलिस्ट वगैरह उनको मैं फॉलो करता रहता हूँ, तो मुझे पाकिस्तान के भी हालात देख के बहुत डिप्रेशन होता है, जो साफ सी जो बात है, ठीक है। पाकिस्तान के नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के हालात देखें, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह लोग ब्लाइंडली किए जा रहे हैं। मैं आज ही किसी बंदे से बात कर रहा था कि यार देखो ये जो फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में कितनी तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री में जितनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई है पिछले 8 to 9 मंथ्स में, ठीक है। फ्यूल प्राइसेस 20 से 30% बढ़ गई अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर चीज़ों उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आती जा रही है, हाउसिंग बबल है वो बड़ा होता जा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि पीपल आर नॉट पैनिकिंग, लोग पैनिक ही नहीं कर रहे। पीपल थिंक इट्स ओके, ठीक है। लोगों के अंदर जो मतलब कि हमारी सोसाइटी एक तरह की यार वो बन चुकी है, स्लेव्स नहीं होते, वो बन चुके हैं, ग़ुलाम बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात सोच की टेंशन होती है कि कोई भी टेंशन ही नहीं ले रहा, कोई पैनिक ही नहीं कर रहा। ख़ासकर पाकिस्तान में यार, पाकिस्तान में क्या हुआ है पिछले 2-3 महीनों में? आप इमरान खान को जितना ही बुरा कह सकते हो, इमरान खान ने गवर्नमेंट को हटा दिया, दैट्स फाइन, नाउ डू समथिंग। आपसे वो भी नहीं हो रहा, आपने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इन 2 महीनों में कितनी प्राइसेस बढ़ी है पेट्रोल की, मेरे हाथ में 150 बढ़ी ना, बाय 150 बढ़ी है यार। वलीद ये पॉडकास्ट जा सकते हैं 2 आवर मार्क पे अगर ये डिबेट शुरू करें। वही ना मसला है, 10th एपिसोड रखें, तब तक हम थोड़ी लाइट बातें करें, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बेसिकली सम फिलॉसफी, सम यार नहीं मैंने फिलॉसफी लेट जा गई है, आई डोंट वांट टू जाएंगे और लेट जाएंगे हम लोग। नहीं मेरे तो 4 ये बिल्कुल हार्डकोर हो जाएगा यार, ये 2-3 घंटे की डिबेट चलेगी। नहीं चले, अच्छी बात चलनी चाहिए, मगर मसला यार ये कि समझ है ना मेरी बात कि लोगों का पैनिक ही मुझे नज़र नहीं आ रहा अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये अब हम कल को समझते थे भाई कि अगर रशिया किसी कंट्री पे अटैक करेगा या World War III शुरू हो जाएगी। रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, लोगों की ज़िंदगी वहीं चल रही है, सब कुछ वहीं चल रहा है, ठीक है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में जो कुछ किया, दुनिया वहीं की वहीं, ये सब बैठे हुए खड़े होकर देखते जा रहे हैं। बट आई थिंक इज़ दैट कोविड के बाद मतलब कि हमारी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट हो गई है पूरी अराउंड द वर्ल्ड, लोग बहुत कंप्लाइंट हो गए, लोग हर चीज़ को ईजी लेना शुरू हो गए, है कि नहीं? कोविड देख लिया उन्होंने, और क्या रह गया उनकी जिंदगी में देखने के लिए? पेट्रोल 100 रुपये महंगा हो गया, उनको क्या ही फाड़ लेगा पेट्रोल बेसिकली। उनके प्यारे मरे कोविड से, तो वो तो फिर आप सही कह रहे हो कि कंप्लाइंट हो गए हैं बेसिकली, सफरिंग काइंड ऑफ हैज दैट टू यू। वही ना, तो वही अजीब सी बात है। तो दुनिया के हालात देख यार, इट इज़ रियली डिप्रेसिंग जो दुनिया में आजकल हो रहा है। वो हमारी सोसाइटी जो है वो अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरी सोसाइटी ब्रेक हो रही है पूरी दुनिया में। हम लोग अभी तक इसी से बहाने निकल रहे, मेट्रियार्की पेट्रियार्की से, फेमिनिज्म से, ठीक है, या फिर या फेमिनिज्म से बाहर निकल रहे, रेसिज्म से बाहर निकल रहे। जबकि अगर आप वही, मैं एक बंदे की, एक एंड्रयू टेट, उसकी मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तो वही वो बता रहा था कि अगर एक मिलेनियर, अगर आप मिलेनियर हो और आप किसी मिलेनियर से मिलते हो, अफ्रीका के मिलेनियर से, ठीक है, यू मीट्स ए मिलेनियर फ्रॉम अफ्रीका, आप ये तो नहीं सोचोगे ना यार देखो काला आ गए कमरे में, नो, यू वॉन्ट थिंक लाइक दैट, यू विल थिंक लाइक एज ऑफ हिम एज अ फेलो मिलेनियर, है कि नहीं? ये जो हम छोटे लोग हैं, जो हम लोग मतलब कि पाकिस्तान में जो हम लोगों की सोच यहाँ तक रह गई कि हम लोग बस काला गोरा औरत मर्द और इन सब के अंदर फंस के रह गए। और बट आई थिंक इज़ दैट दिस इज़ अ वे टू डिवाइड अस, दिस इज़ अ वे टू कीप अस बिजी, ठीक है। मैं तुझसे लास्ट टाइम भी बात की थी, अब मसला ये है कि दुनिया में चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हों या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हों, किसी को भी बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, ठीक है ना, जिस तरह के मिलने चाहिए, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में आप ये कह सकते हो कि मतलब कि कुछ कंट्रीज़ में आपको कुछ हद तक बेसिक राइट्स मिल रहे हैं, मगर पाकिस्तान में तो आपको वो भी नहीं मिल रहे, ठीक है। मगर मसला क्या है, लोगों का उसी से बाहर नहीं आ रहा। लोग अब वो करते हैं, पाकिस्तान में लोग हैं ना, अब कल को गे, अब जो औरतें वो कह रही हैं भाई कि गे लॉ, लेस्बियंस शादी वगैरह, ये सब मैरिज वगैरह लीगल कर दो। कल गवर्नमेंट 80 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाए कल रात को, और साथ में एक वो LGBTQ का लॉ भी पास कर दे। देखिए पाकिस्तान में लोग पेट्रोल प्राइसेस को छोड़ के LGBTQ के लॉ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हो गई हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? यार दिस टू इज़ अ वेरी लॉन्ग डिबेट यार, दिस होल LGBTQ कॉन्सेप्ट। I have my own view about it, लेकिन I believe that we've hit the 29 mid mark. I believe we should wrap it up here. This was supposed to be an intro, I believe. Yeah, इस पे let's do the next one about basically this whole LGBTQ phenomena and its effect on our, you know, social values and our lives. Well, मेरा ये कि हाँ, हम लोग किसी पॉडकास्ट में फेमिनिज्म के ऊपर और LGBTQ वगैरह के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, मगर जो मैं सोच रहा था हम लोग जिस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें, जैसे कि मैं आजकल थोड़ी बहुत रीडिंग भी कर रहा हूँ। हम लोग पिछले जो 100-200 साल जो दुनिया में चेंजेस आई हैं, ठीक है, बड़ी चेंजेस आई हैं बैंकिंग के लिहाज से, ठीक है, जुडिशल सिस्टम में जो चेंजेस आई हैं, ये जो दुनिया में इतना बड़ा मतलब कि वर्ल्ड वॉर्स गुजरी हैं, उसके बाद हमारी दुनिया ने किस तरह शेप किया है, ठीक है। आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, आई वांट टू डिस्कस अबाउट सम सीक्रेट प्रोजेक्ट्स, व्हाट डू यू से, लाइक UFOs, जैसे कि हमने UFOs पे बात की थी। हमने तो भाई घंटों बातें की है UFO के बारे में, वो तो खत्म ही नहीं होती यार, वो मतलब कीप्स ऑन कमिंग एंड कमिंग यार। ये साउथ ने दिया मुझे, ओ भाई वाला, ये वही तेरे वाला है, सऊद ने नया लिया है कोई ब्लू रंग का, पाकिस्तान से ही लिया है, सर यहाँ से लिया शायद। यहाँ वेप सस्ते हैं मगर फ्लेवर्स बहुत महंगे हैं। पाकिस्तान में फ्लेवर सस्ते हैं यहाँ के हिसाब से। अच्छा, तो वो फ्लैट पे लेके से आया यार, किट जो थी, कोई इशू नहीं हुआ, इट वॉज फाइन, कोई मसला नहीं हुआ। तो ऐसे ही है। और यार आज डिस्कशन करके थोड़ा सा मतलब कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तुझे कैसा लगा? यार मेरा मसला है भाई, मेरे ये कि टूट गया, मेरी फिसली आ रही है, ठीक है। मेरा बेसिकली ये सीन है, मैं कुछ भी बेसिकली पॉडकास्ट भी देखता हूँ, आई लिसन टू इट विदाउट ईयरफोन्स और हेडफोन्स, मैं ऊंचा सुनता हूँ लैपटॉप की ना ऑडियो, तो मेरा मुझे आदत नहीं पहनने की यार, ये टूट गया, फिसली जा रही है, देख 15 आधे घंटे से मैं यही करी जा रहा हूँ बार बार। वही ना, या वही मैं रेसिज्म के ऊपर एक और बात करना चाहूँगा। आज से 300 साल पहले या 200 साल पहले की बात नहीं कर रहा, अगर लोग देखते थे ना कोई काला बंदा आया है ठीक है, अफ्रीका से। दे यूज टू थिंक ऑफ हिम एज एन एग्जॉटिक इंडिविजुअल, डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है। वो कुछ हद तक ये नहीं सोचते थे यार ये काला है, ठीक है, ऐसी क्या इज्जत है ये वो। मगर आज की सोसाइटी में देख रहा हूँ कि रेसिज्म बढ़ती जा रही है कि नहीं। काला, गोरा, अरबियों का कितना मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, टेररिज्म से जोड़ के, ठीक है। औरतों का तो मजाक उड़ाते ही रहते हैं, ठीक है। अब तो अजीबोगरीब मतलब के जोक्स बनते जा रहे हैं दुनिया में। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि इट इज़ अ एफर्ट टू ब्रेक अवर सोसाइटी, ठीक है। लोगों को आपस में लड़ा के आपस में इनको बिजी रखो, ठीक है। अब जो लोग वही एफर्ट जो इंटरनेट पे पूरे पैराग्राफ लिखते रहते हैं, टिकटॉक्स बनाते रहते हैं, अगर वही एफर्ट वो अपनी इंडिविजुअल सेल्फ पे करें तो आज हमारी सोसाइटी कहाँ पहुँची हो। It all basically revolves around identity ना। बेसिकली आपने डिफरेंट ये ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, आपने seclusion कर दी उनकी और आपने बस अपनी आइडेंटिटी डिराइव की है बाय अपोजिंग देयर आइडेंटिटी। यू डिफाइंड योर आइडेंटिटी थ्रू द वर्च्यू ऑफ एक्सक्लूजन। बेसिकली यही होता है जब आप डिफरेंट जमातें बना लेते हो। इस्लाम के अंदर भी आप अपने डिफरेंट जमातें निकाल ली हैं, तो आप बस अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो ना। बेसिकली यू जस्ट नीड टू बिलोंग टू अ ग्रुप, यू जस्ट नीड टू अपोज अ ग्रुप, एंड दैट्स हाउ इट डिफाइंस यू एज वेल। इंसानों की एक बेसिक नेचर क्या है कि इंसान ये सोचता है यार, इंसान को पता है क्या, चाहे किसी भी मज़हब का हो, उसको वो जब ये सोचता है ना यार कि मैं इस मज़हब से हूँ, ठीक है, और फिर वो तरीके ढूंढता है उस मज़हब को जस्टिफाई करने के, ठीक है। और फिर जब उसको अप्रूवल मिलता है अपने आसपास के लोगों से तो उसको एक अलग सी फीलिंग आती है, ठीक है, उसको एक अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। वही हो रहा है हमारे अंदर, ठीक है। अगर एक शिया है वो साथ में बैठ के देखता रहेगा इंटरनेट पे कि शियाओं ने क्या किया, सुन्नियों ने क्या गलत किया, फिर अपने आसपास दोस्तों के पास जाएगा, डिस्कस करेगा, वो कहेंगे हाँ भाई सुन्नी तो गलत है, हम तो बिल्कुल ठीक है। उसको इसको लगेगा हाँ यार उसका ईमान पक्का हो जाएगा, यार मैं तो बेहतरीन हूँ, ठीक है। सेम गोज़ विद सुन्नी, सुन्नी भी यही करता है, ठीक है नहीं। और मसला है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम मुसलमान से पहले इंसान हैं, या हम क्रिश्चियन से पहले एक इंसान है कि नहीं। पहले अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, फिर मसला सिर्फ ये आइडेंटिटी उन्होंने इतनी डिस्टॉर्ट कर दी। वो कहते हैं सिर्फ सुन्नी हूं और मैं ना मुसलमान हूं ना मैं इंसान हूं, मैं सिर्फ हूं। अगर तो सुन्नी कोई बंदा करेगा तो उसकी आइडेंटिटी से थ्रेट होगी बेसिकली, तो इसलिए उसको इतनी आग लगती है। एंड इट्स क्रेजी थिंग्स दैट इट हैज यार वी शुड मेक वन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज वेल। आई ब्रो मेरा पिछले कोई तो से ना माइंड बहुत फक हो रहा है क्योंकि आई एम टू फाइंड अ साइंटिफिक proof of the existence of God without referring to religion or scripture. It's fucked up with my head. I just found one convincing argument by Saint Thomas Aquinas, an Italian priest. Yeah, we could make one on that as well. On the same, इसी तरह एक फेज से मैं भी गुजरा था आज से 1-2 साल पहले कोविड में, ठीक है ना। बंदा वेला होता है, ठीक है। मैं उस वक्त स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिलीफ करना शुरू हो गया था और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह की, ठीक है। मैं तो ये बेसिक बात ही कहूँगा कि स्टार्ट विद कुरान, ठीक है। कुरान खोलो, कुरान को रिसर्च करो, स्टार्ट रीडिंग अबाउट कुरान, या किसी एक स्पीकर को सुनना शुरू कर दे, ठीक है। दिस दैट वुड गिव यू अ रियली क्लियर पिक्चर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। हमारी जो मैं तो इस्लाम के बारे में क्यों क्यों नहीं कह रहा कि कोई बुद्ध की किताब पकड़ ले या कोई संस्कृत पकड़ ले या कोई मतलब कि बाइबल पकड़ ले। मैं तो इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो सब एक टाइम के साथ चेंज होती रही है, ठीक है। उन्होंने उसको अपनी नीड के मुताबिक बदलते रहे हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स थे वो चेंज होते रहे हैं। इस्लाम मतलब कि जिस तरह बना था, जिस तरह हमारा कुरान उतरा था, वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसा ही है। और अगर लिटरली अगर तू सही तरीके से कुरान को समझेगा तो यार लिटरली तेरा दिमाग दंग रह जाएगा कि इस्लाम कि कुरान पाक इस तरीके से लिखा गया है कि अगर आप आज से 100 साल बाद भी कुरान पाक खोलोगे इट वुड स्टिल बी 110% वैलिड। I totally agree that. I as a Muslim totally agree that. लेकिन that's not a convincing argument for a naturalist perhaps. वो इंसान जो कहता है बेसिकली कि बस एवोल्यूशन हुई थी, क्योंकि एक बाइनरी डिबेट बना दी ना एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने, एवोल्यूशन एंड रिलीजन बोथ आर नॉट कंपैटिबल, ये उन्होंने बाइनरी डिबेट बना लिया। मुझे बेसिकली फेथ के थ्रू पता है कि गॉड एग्जिस्ट। आई एम अ मुस्लिम ऑब्वियसली फॉर गॉड से आई बिलीव गॉड एग्जिस्ट एंड आई एम फाइंडिंग आई विल टेल यू अबाउट if you're talking about evolution, मैं तुझे बताऊंगा किसी पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू अबाउट द करेक्टर ऑफ चार्ल्स डार्विन। उसने पढ़ाया था ना, उसने एवोल्यूशन की थ्योरी बताई थी। मैं तुझे चार्ल्स डार्विन की लाइफ की स्टोरी बताऊंगा एंड यू विल बी लाफिंग कि इस बंदे ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इसने दुनिया में मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाई। उस बंदे की जो अपनी लाइफ देखो, उसकी जो मतलब कि उसके साथ जो लाइफ में हुआ और वो जो करता था, उसका जो करेक्टर था और उसकी जो साइंटिफिक अप्रोच थी, इट इज़ सो फनी, इट इज़ सो डिल्यूजनल कि लेकिन don't you believe in evolution though यार? I really thought you would. यार अगर evolution था तो बंदर इंसान क्यों नहीं बन गया बता? नहीं तो फिर मुझे ये बता दे कि हमें हदीसों से ये पता चलता है कि जैसे हजरत आदम जो थे वो 60 क्यूबिट्स टॉल, बेसिकली 1 क्यूबिट इक्वल्स 1.5 फीट, राइट? तो हजरत आदम वाज 90 फीट अकॉर्डिंग टू हदीस, एंड आज का इंसान 6.5 फुट है, तो isn't that evolution in itself? आपकी हाइट बेसिकली 15 गुना कम हो रही है, isn't that evolution? That is evolution. No Islamic scholar has an answer to that. That is evolution. अगर आपकी height 90 फुट कह रहा है तो कितने फुट कह रहा है? 90 फुट, 90 फुट कहते हैं इसलिए ज्यादा, ठीक है? 90 फुट कह रहा है, अगर 90 फुट से इंसान 6.5 फुट का हो गया तो बंदर इंसान क्यों नहीं बन गया यार? बंदर तो उतना होता ही है, और बंदर इंसान क्यों नहीं बना? I believe in evolution, ठीक है? I believe in to a certain percentage I believe in evolution, ठीक है? मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ही एवोल्यूशन की टॉपिक से बिल्कुल ही मतलब कहूँगा भाई नहीं मैंने इसको पढ़ना ही नहीं है, नो इट्स दैट। मेरे ख्याल में तू मुझे ज़्यादा बता सकता है एवोल्यूशन के बारे में, बिकॉज यू हैव स्टडीड अ लॉट। देख मैंने बस ना ये पिछले 1.5 साल से ये एक डिबेट तोड़नी थी, बाइनरी डिबेट, कि एवोल्यूशन है या फिर रिलीजन है। आई काइंड ऑफ फाउंड अ व्यू व्हिच कंबाइंड बोथ। I think it is an original idea, but I believe किसी और फिलोसोफर ने ये सोचा हुआ कभी ना कभी। वो बिल्कुल different debate है, but it combines the religious view and the evolutionary view. It makes space for divine intervention in the evolutionary, you know, the whole cycle of it. Yes, you are right. इसलिए मुझे podcast करने में मज़ा आ रहा है तेरे साथ, क्योंकि हम तुम्हारे views एक जैसे नहीं है, ठीक है? तू मुझे बता सकता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं तो बता सकता हूँ तू गलत कर रहा है, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई आई चोज यू। आई हैव सम फ्रेंड्स, मे बी दे कैन जॉइन अस इन पॉडकास्ट एज वेल लेटर ऑन। इफ यू हैव सम फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू कॉल देम, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक? करते हैं यार। यप, नो वरीज। में हम इसको अभी रैप अप करते हैं। आई हैव टू गो पिक अप मानू को पिकअप करना है मैंने भी जॉब से, ठीक है? इसके बाद मैंने लॉन्ड्री में जाना है, ठीक है? इस पार्ट यहाँ पे ख़त्म करें? हाँ ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल में। व्हाट डू यू थिंक वी शुड कैरी ऑन वेडनेसडे? व्हाट डू यू रेकन? यार वेडनेसडे को शूट है मेरा। ओके, देन वी कैन डिस्कस ऑन व्हाट्सएप। ओके, हाँ बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत मज़ा आया, ठीक है? इसको मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। फिर बाय बाय।